जी नमस्ते सभी को। पुनः तो हिंदी में अभी हम लोग अभ्यास 2 के स्टेप 4 पर डिस्कशन कर रहे थे। कल इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न बन रहे थे जिस पर हमने चर्चा की। अच्छी बातें हैं, वो प्रश्न सामने आते हैं तो उससे हम सबको क्लैरिटी मिलती है। तो स्टेप 4 पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब मैं शरीर में होने वाली संवेदना को पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, क्या मेरे और संवेदना के बीच दूरी है। इस बात को हम लोग कल देखते रहे। इसको लेकर यदि किन्हीं का कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई शेयरिंग हो तो अभी रख सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि मैं संवेदना नहीं हूँ, मैं संवेदना में नहीं हूँ, मेरे और संवेदना के बीच दूरी है, और मैं संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ। तो मैं अपने और संवेदना की दूरी को देखते हुए ये भी देख पाता हूँ कि मेरे और शरीर के बीच दूरी है। तो एसेंशियली हम देखें तो मेरा होना और शरीर का होना अलग अलग है। इस बात को हम कई तरीके से कई बार अपने आप में ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये भी ऑब्जर्व करेंगे कैसे मैं संवेदना से प्रभावित होता हूं। जी तो इसमें कुछ गृह कार्य है जो हम सबको करना है। तो शरीर के किसी भाग में संवेदना को देखना है, जैसे खुजली हो रही हो, गुदगुदी हो रही हो, दर्द हो, किसी भाग में कंपन हो इत्यादि। और मैं इस चीज को देखूं कि खुजली मुझ में हो रही है या शरीर में हो रही है और मैं उसको पढ़ रहा हूं। खुजली भी एक संवेदना है, तो क्या मैं यही हूँ, क्या मैं इसका एक भाग हूँ, इसी के अंदर हूँ, या मेरे और इस संवेदना के बीच में कोई दूरी है। तो शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में जो कुछ भी हो रहा है, प्रिय लगे अप्रिय लगे, है ना, उसको देखना है और उसके साथ अपनी दूरी को देखना है। इसी प्रकार शरीर के दूसरे भागों में भी देखना है और इस अभ्यास को करते रहना है अपने को। इसका निचोड़ ये है कि मेरा होना और शरीर का होना, ये दोनों हमको अलग अलग स्पष्ट होने लगता है। और एक मूल बात है, ये मौलिक बात है। ये तो विचार में तो हमारे बहुत कुछ है, परंतु हमारे ऑब्जर्वेशन में आ जाए, कैसे मैं देख पाऊं अपने आप को शरीर से भिन्न एक वास्तविकता के रूप में, इसके लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में यह अभ्यास है। तो इस मूल बात यह है कि चैतन्य और जड़ के बीच की जो दूरी है उसको देखना है, मैं और शरीर बीच की जो दूरी है उसको देखना है। तो दोनों अलग अलग इकाइयां हैं, साथ साथ हैं, इस चीज को ऑब्जर्व करना है। तो एक दूसरे का हिस्सा नहीं है, एक दूसरे का भाग नहीं है। अगर इस बात को हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छा, इस अभ्यास को हम बनाए रखेंगे। इसके साथ ही अब हम स्टेप 5 पे चलते हैं। भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो इतना ऑब्जर्व करते हुए अब हम बाह्य परिस्थिति के प्रभाव को देख सकते हैं। तो संवेदना के स्रोत क्या क्या हैं? तो एक है दूसरे व्यक्ति का व्यवहार। तो दूसरा जो व्यवहार करता है उसका प्रभाव पहले मेरे शरीर तक पहुंचता है, कोई ध्वनि के रूप में, स्पर्श के रूप में, उसके तहत फिर शरीर में संवेदना होती है। एक स्रोत यह है। दूसरा, बाहर कोई परिस्थिति है, भौतिक रासायनिक घटना है, ठंड है, गर्मी है, या मेरे सामने कोई दृश्य चल रहा है, आंखों में उसका चित्र बन रहा है, इन सब का प्रभाव भी मेरे शरीर तक पहुंचता है, उसके तहत शरीर में संवेदना होती है। और शरीर में कुछ घटना घट रही है, उसके तहत शरीर में संवेदना होती है, जैसे सर में दर्द है, बदन में दर्द है, या फिर शरीर में गतिविधियां तो हो ही रही हैं, हृदय धड़क रहा है, खाना पच रहा है, भूख लग रही है, ये भी एक स्रोत है। तो देखेंगे तो ये 3 स्रोत दिखाई देते हैं। इसमें भी अगर उसको और ठीक से आर्टिकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि 2 हैं, एक शरीर में होने वाली घटना, एक शरीर से बाहर होने वाली घटना। शरीर से बाहर होने वाली घटना भी 2 प्रकार से है। एक मनुष्य के साथ जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है वो, और शेष प्रकृति से इंटरेक्शन हो रहा है वो।
इस प्रकार से देखें तो ये तीन स्रोत हैं संवेदना के। और इनमें से कोई प्रभाव जो है मैं तक सीधा सीधा नहीं पहुंचता, इनका प्रभाव संवेदना के रूप में शरीर पर पड़ता है। इन संवेदनाओं को पढ़ना है, आस्वादन करना है या नहीं करना है, इसका निर्णय मैं करता हूँ, चैतन्य निकाय करती है। अब मैं उन्हीं संवेदनाओं को पढ़ता हूँ जिन्हें मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, और मैं उन्हें तभी पढ़ता हूँ जब उन्हें पढ़ना मुझे आवश्यक लगता है। तो इस संवेदना को मैं कैसे देखता है, प्रयोग करता है, इसको विस्तार से हम आगे देखेंगे। परंतु इन संवेदना के स्रोतों को हमको देखना है, ये बात स्पष्ट है पूरी तरह से। ये भी देख सकते हैं कि इनमें से कोई प्रभाव मैं तक सीधा सीधा नहीं पहुंच, संवेदना के रूप में शरीर में पड़ता है, फिर मैं संवेदना को पढ़ता हूँ, और मैं पढ़ता हूँ यदि मुझे आवश्यक लगता है, यदि मुझे आवश्यक नहीं लगता मैं नहीं पढ़ता हूँ। जब ठंड की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, और हमें कपड़ों का चयन करना था, तो हमने इन संवेदनाओं को पढ़ा और फिर उसके आधार पर विचार किया कि अब उन्हीं कपड़े निकालें कि ना निकालें, दीपावली बीत गई है ना, निकाल लेना चाहिए और फिर दिन वेट कर ले। तो हमने इन संवेदना को पढ़ा और फिर निर्णय लिया। तो उसका जब ठंड बना रहता है तो हम एक रूटीन में उन्हीं कपड़े निकालते हैं और डाल लेते हैं, ठीक है, और उधर ध्यान भी नहीं देते, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाए अचानक या ठंड में कमी आ जाए, हम ध्यान नहीं देते और हम अपने अंदर उस निर्णय को बनाए रखते हैं। तो एक समय था जब हमको निर्णय लेना था कि कपड़े निकाले कि ना निकाले, उन्हीं कपड़े खरीदे कि ना खरीदे, इस साल नया कंबल खरीदा जाए कि ना खरीदा जाए। तो हमने संवेदना को पढ़कर ठीक से उसके ऊपर विचार किया, फिर निर्णय लिया, और उसके बाद एक रूटीन में आ गया, एक अभ्यास में आ गया। अब संवेदना मिल रही है और मैं एक तरह से कपड़े पहनता हूँ और मैं बाकी चीजों पर ध्यान देता हूँ, उधर जितना ध्यान देना था मुझे मैंने दे लिया। तो आप पाएंगे कि कोई भी प्रभाव मैं तक सीधा सीधा नहीं पहुंचता है। वैसे शरीर में, जैसे अगर शरीर के किसी अंग में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक, तो जब वो प्रॉब्लम शुरू हुआ तो उसको विशेष ध्यान देते हैं, उधर ध्यान देते हैं, उसको पढ़ते हैं, ठीक, उसके बारे में विचार करते हैं, उसका उपचार करने के लिए विचार करते हैं। अब एक पॉइंट के बाद ऐसा हो गया कि आपको दिखता है कि ये इतना भाग तो बना ही रहेगा उसका, ठीक, कहीं कट फट गया है, चोट लग गई है, ठीक, पट्टी बन गई है, अब ये 10 दिन बाद पट्टी खुलेगी तो ये संवेदना आती ही रहेगी। तो अब आप उस संवेदना को अलग से ध्यान नहीं देते, अनलेस कोई उसमें बहुत पिंचिंग सेंसेशन बीच में आ जाए। अब उस संवेदना आ रही है और आप उसको, है ना, एक तरफ रखते हुए बाकी कामों पर ध्यान दे रहे हैं। वैसे शरीर की संवेदना है, जब हम निर्णय लेते हैं कि इसको पढ़ना है तो पढ़ते हैं, जब उसको गौण मान लेते हैं तो नहीं पढ़ते हैं। तो शरीर के हर अंग में क्रियाएं हो रही हैं, मुझे महत्वपूर्ण लगती है तो मैं पढ़ता हूँ, नहीं महत्वपूर्ण लगती है नहीं पढ़ता हूँ। जैसे कल ही बात हो रही थी किडनी में क्रियाएं हो रही हैं, ठीक, अब हम में से हर व्यक्ति उसको इग्नोर करके ही चल रहा है, ठीक है भाई किडनी अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूँ, अलग से क्यों ध्यान दूँ। बट यदि कोई कहे कि आप क्या किडनी में होने वाली संवेदना को पढ़ सकते हैं, तो मैं उधर ध्यान देना शुरू करता हूँ। वैसे व्यवहार का भी मामला है, ठीक है, तो हर व्यक्ति का एक व्यवहार का तरीका होता है। तो जब कोई नया व्यक्ति हमारे सामने आता है तो उसके हम तरीके को नए तरीके से नोट करते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति ऐसे मिलते जुलते हैं, जब भी मिलते हैं हाथ मिलाते हैं, ठीक, तो हम वहां पे उस संवेदना को पढ़ते हैं और उस पर डिस्कस निकालते हैं अपने अंदर। परंतु फिर एक अभ्यास में आता है, जब भी उस व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे अंदर एक निर्णय बना रहता है कि हाँ ये व्यक्ति हाथ मिलाएंगे, मुझे अपना हाथ बढ़ाना है, इनसे मिला लेना है, तो हमारे अंदर निर्णय बना रहता है। और मैं फिर उस व्यक्ति से जो संवेदना में संवेदना मिली, जो संपर्क हुआ, उसको मैं बहुत विशेष रूप से फिर नहीं पढ़ता हूँ, भाई मेरे एक अभ्यास में आ जाता है। जो शब्द व्यक्ति कहते हैं वो भी कुछ शब्द को मैं अभ्यास में ले लेता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि घर में कोई व्यक्ति है और वो में भी उनकी एक अभ्यास है बहुत सारी बातें कहते रहने का, जो कई बार अनावश्यक भी होती हैं। तो हम अक्सर एक बात ये निर्णय लेते हैं कि ठीक है व्यक्ति की बोलने की आदत है, ये तो शुरू हो गए तो आधे घंटे बोलेंगे, तो हम उधर ध्यान नहीं देते। तो आप पाएंगे कि ये तीनों ही स्रोतों से, चाहे दूसरे का व्यवहार हो
या बाहर कोई भौतिक रासायनिक घटना हो या शरीर में होने वाली कोई घटना हो, मैं पढ़ता हूँ अपने निर्णय के आधार पर। यदि मैं आवश्यक मानता हूँ, स्वीकारता हूँ तो पढ़ता हूँ, नहीं तो नहीं पढ़ता हूँ। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो दिखता है कि दूसरे मनुष्य का व्यवहार एक स्रोत है संवेदना का, जैसे बोलचाल है, शरीर संकेतों द्वारा अभिव्यक्त है। अब वो देखें तो वो कोई शारीरिक क्रिया हो रही है, जैसे बोलना, उसका मेरे शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है। ये शरीर पे जो प्रभाव पड़ रहा है, उससे संवेदना उत्पन्न हो रही है। अब मैं निर्णय पूर्वक उस संवेदना का आस्वादन करता हूं, और फिर उसके आगे अगर आप देखें तो मैं अपने संस्कार यानी मान्यता या समझ आधारित उसको आस्वादन करता हूँ, उसको अर्थ देता हूँ। ये भाग कट गया था पढ़ने में, तो उसके साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो मैं संवेदना का आस्वादन करता हूँ, उससे मैं सीधे सीधे प्रभावित नहीं होता। मैं अपने संस्कार जो मान्यता आधारित हो सकती है या समझ आधारित हो सकती है, उसके साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूँ। इस वाले भाग को अपने को ठीक से स्टडी करना है, इस पर हम लोग समय लगाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि कहीं भी कभी हमें समझ तो होती है, परंतु हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होती है कि हम अपने राइट अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही कार्य को कर पाए। और बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे एडिक्शंस हैं, और कोई बड़े बड़े एडिक्शन नहीं, इवन इतना छोटा कि जैसे मीठा खाना है, हमें पता है कि ये मीठा खाना हमारे लिए उचित नहीं है या एक पीस के बाद रुक जाना चाहिए, परंतु जब तक तृप्ति जैसी भाव नहीं आती, मन करता है कि उसको हम खा लें, और कई बार ऐसा होता है कि हम उसको खा ही लेते हैं। तो वो राइट अंडरस्टैंडिंग के बाद भी क्रिया में आ पाना कई बार बहुत मुश्किल सा लगता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा क्षमता बढ़ाने के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे भैया। तो ये कोई चीज नहीं करना है ये समझ नहीं है, इसलिए जब भी लगे कि नहीं को लेकर विचार किया और उसको समझ मान लिया तो चूक हो गई, नहीं नहीं, करना जैसे ये सही भी नहीं है। पता, भैया ये भी पता है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, ये नहीं अच्छा है। वो ठीक है ना, अभी आ रहा हूं इस पे। तो जी ये नहीं जी खाना है, ये नुकसानदेह है ना, ये समझना नहीं है। क्या अच्छा है, क्या शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में है, इसको तय कर पाना, ये समझना है। तो ये तो हम समझ के भाव को इंगित कर लेते हैं अपने आप में कि समझ का भाव है, और समझ क्या है वो कहाँ इंगित करता है। तो मीठा नहीं खाना है तो क्या करना है, उसको वहां पे तय करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि थोड़ा सा अस्पष्ट रहता है। अब आपके अंदर प्रश्न चलेंगे, जैसे अगर है ना, हो सकता है डायबिटीज शिकायत हो किन्हीं को, सामने मीठा आ गया, अब वो अगर निर्णय ले कि मुझे मीठा नहीं खाना है तो क्या करना है, इसको मना करना है, कब मना करना है, कितनी बार मना करना है। थोड़ा सा खा लेने से भी डायबिटीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और डायबिटीज हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक दिन तो मरना ही है। तो वो भी मरेंगे जो नहीं खा रहे हैं, वो भी मरेंगे जो खाएंगे। ठीक, और हमने सुना है कि थोड़ा मीठा जरूरी भी होता है शरीर के लिए, इससे एनर्जी भी मिलती है। तो ये जो भाग अस्पष्ट है, इसके कारण हम वापस निर्णय लेते हैं खाने का। तो मीठा नहीं खाना है तो क्या करना है, क्यों नहीं खाना है, ये सारी बातें हमको अस्पष्ट रहती है, और आदमी यहाँ जाके फंस जाता है। ठीक है ना, कि भाई अल्टीमेटली क्यों जीना है, मरना तो सबको एक दिन है ही, चाहे आज मरे चाहे 10 साल बाद मरे, तो भाई मीठा खा के ही मरे फिर, है ना, छोड़ के क्यों मरे। ये बेस्वाद का जीवन जीने का क्या फायदा, आखिर जी ही क्यों रहे जब जीने में कोई स्वाद नहीं है, कोई सुख नहीं है। अब ऐसे प्रश्नों पे आके आदमी है ना अस्पष्ट हो जाता है, और इसलिए फिर वो निर्णय लेता है। तो क्या नहीं करना है ये समझना नहीं है, क्या करना है ये समझना है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं कहेंगे कि क्या नहीं करना है। जी जी नहीं, अगर ये समझ में है कि ये करना है, तब क्या भी करना है, उसको करने के प्रति किसी भी व्यवहार में, जैसे शरीर के संरक्षण के प्रति या संबंधों के संरक्षण के प्रति या जो आसपास के वातावरण है उसके प्रति जो हमारा व्यवहार करना है, जैसे सुबह उठ करके घूमने ही जाना है या शरीर की एक्सरसाइज ही करनी है, क्योंकि शरीर
को स्वस्थ रखना है, तो उसकी तरफ भी प्रवृत्ति नहीं होती, और जो संस्कार हैं या जो कंडीशनिंग है वो कई बार डोमिनेट करती है, और जो समझ है उसके अनुसार व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है, तो इसको और उसको देखे ना, कैसे जैसे बढ़ाएं? जी इसको और देखे ना कि जी सुबह के टहलने जाना स्वास्थ्य करती है। तो कोई पूछे स्वास्थ्य क्यों चाहिए, तो स्वास्थ्य चाहिए क्योंकि यही निमित्त है, यही उपकरण है हमारा कार्य करने का। हाँ, तो अल्टीमेटली तो हम सुखी होना चाहते हैं, ठीक। और ये शरीर को ठंड में ले जाएंगे तो सुखी होंगे कि दुखी होंगे? तो स्वास्थ्य हमको कई बार लगता है कि तो सुख में बाधक हो जाएगा हमारे। ये जो रजाई के अंदर संवेदना मिल रही है इसमें ज्यादा सुख है, और जो स्वास्थ्य के लिए योजना बना रहे हैं उसमें कम सुख है, तो उसको ड्रॉप करते हैं आइडिया को। तो बेसिकली आदमी सुखी होना चाहता है, और किसी भी क्षण में हम वही करते हैं जिसमें कुछ ज्यादा सुख लगता है। तो ठंड में जी टहलने बिल्कुल, में सुख है, कि रजाई में बैठने में ज्यादा सुख हाँ जी, है ना। और स्वास्थ्य में भी हम कई बार उसके विकल्प भी निकालते, ठीक है भाई अभी नहीं टहलेंगे, जब दिन में धूप निकल जाएगी तो टहल लेंगे, है ना, टहलेंगे नहीं थोड़ा जी सा घर में बैठे बैठे कुछ कर लेंगे, जी ऐसे बहुत सारे निर्णय लेते हैं। जी तो एसेंशियली हमें अपने क्यों प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता किसी पॉइंट पे। अगर वो सटीक मिल जाए तो सटीक कार्यक्रम होगा, अगर वो नहीं मिलता तो अनिश्चित कार्यक्रम रहेगा। जी जी है ना जी भैया, थैंक यू थैंक यू। जी। तो अभी बहुत सारी चीजें हम अपने आप में विचार के स्तर पे तय करते हैं, बट वो समझ का भाग शेष रहता है। क्योंकि समझ का भाग शेष रहता है इसलिए हमारे अंदर अस्पष्टता, अनिश्चितता, अस्थिरता बनी रहती है। बढ़िया दीदी, जी नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को। भैया अभी जो डिस्कशन चल रहा था उसके रिगार्डिंग पूछना है। देखिए, किसी व्यक्ति का बिहेवियर है कि हर टाइम कुछ तो कहना है। और हमारे घर के मेंबर ही है, तो हमने तो अभी जैसे एक्सरसाइज ये कर रहे हैं, तो हमें ये अभी अच्छी बात क्लियर हो गई है कि हाँ, उनको कुछ तो कहते रहने की आदत है, तो अभी हम इतने प्रभावित नहीं होते। बट ना क्या होता है भैया, उनकी जो वो आदत बनी हुई है ना, तो बच्चे उस बात को पकड़ लेते हैं। बच्चे अब छोटे हैं, उनको तो क्या है, जो दिख रहा है या घर में जो एनवायरनमेंट बन रहा है उसी से वो पकड़ लेते हैं, और वो वैसे ही फिर पेश आने शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारे संबंधी है बड़े हैं, तो उनको बोल के रखा कि बाबा बच्चों के सामने तो एटलीस्ट थोड़ा समझदारी से पेश आइए, और बाद में आपको जो भी कहना है आप कह लीजिए। तो ऐसे हमने उनको थोड़ा सा शांत किया है। तो ये क्या सही है ऐसे किसी व्यक्ति को थोड़ा शांत करना, कि जिसको थोड़ा बात करने की आदत रहती है हर टाइम, मतलब उनके मन में कुछ नहीं है, ये हमने अभी मतलब समझ में आई है, बुराई कुछ नहीं है, बस उनकी वो आदत है कहने की, बट वही हमने थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया है कि बच्चे वैसे ना सीखे, वैसे ही वो आदत उनको भी ना आए, थोड़ा मैच्योरली वो भी समझ के साथ बढ़े, इस वजह से हमने उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। तो क्या ये ठीक है भैया, हमने जो किया, बस ये क्लैरिटी पूछनी थी। हाँ, तुमसे हम संवाद तो करें ही कि वो अनावश्यक क्यों बोल रहे हैं, भाव ठीक है तो सही बात कहें, उतना ही कहें जितना आवश्यक है, कहीं ना कहीं तो भाव ठीक नहीं है तभी इतना कह रहे हैं। कई बार होता है घरों में जो समस्याएं होती हैं वो ये होती है कि काम की बात कहने के बाद आखिरी वे एक वाक्य होता है वो बिना काम का होता है, और वो नए काम खड़े कर देता है। हाँ ठीक बराबर, है, इसको जरा ऑब्जर्व करिए, घरों में जो बातचीत होती है ना, तो अगर कोई घटना हो गई, कोई चूक हो गई, ठीक, उसको सुधार करने के लिए जितना कहना था उतना हमने कह दिया, फिर आंगड़ी एक वाक्य हम टैग जोड़ते हैं उसमें, है ना, कि एक काम भी आपसे होता नहीं है, आखिर में हमने कह दिया, बाकी सब काम कहा काम करता है ना, आखिर में एक काम आपसे ठीक से नहीं होता। अब ये जो है वो ट्रिगर करेगा नया डिस्कशन को, ये तो खास तौर पर ध्यान रखना है कि हम जब बोल रहे हैं तो उतना ही बोले जितना सार्थक है। ये जो आखिर के एक दो हम उसमें टैग लगाते हैं अपने स्टेटमेंट्स में, पता नहीं अपने आप को समझता क्या है, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ है ना, या एक काम ठीक से नहीं कर सकते, ठीक, या तुमसे कोई काम कहना ही बेकार है,
अभी आप देखिए तो ये सब चीजें हम जो टैग लगाते हैं आखिर में, ये अनावश्यक होता है और उसके साथ घर में नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल ध्यान रखने की चीज है। तो उन व्यक्ति से हम संवाद कर सकते हैं जिनका अनावश्यक बोलने का अभ्यास है, कि हाँ इसका पर्पज क्या आप जो बोल रहे हैं। जी भैया, जैसे आपसे इनपुट आ रहा है वैसे ही हम कर रहे हैं ना, तो काफी उनमें भी बदलाव है और वो भी काफी कूल और शांत हो गए हैं और शांतिपूर्ण मतलब स्थिति है अभी भैया। बहुत बहुत थैंक यू, बस इतना ही इनफैक्ट कहना है। जी, थैंक इसको तो यू। हम लोग प्रयोग भी कर सकते हैं। ये जो आज व्यवहार की बात हो रही है ना, हाँ आज इसको दिन भर ऑब्जर्व करिए कि जब घर में कोई बात कहते हैं तो क्या हाँ कहते कहते आखिर में एक दो वाक्य हम ऐसे बोल जाते हैं जिसका बोलना आवश्यक नहीं था। जी ये तो सभी लोग ऑब्जर्व करें, ठीक है ना। कई बार हम ऊंची आवाज में कहते हैं, कई बार दबी आवाज में कहते हैं, बट कह जाते जी हैं। हाँ ऐसा कहना भी फिर भाव की गड़बड़ी की वजह से होता है, कहीं क्या समझे फिर इसको, कैसे समझे। हाँ, भाव की गड़बड़ी तो है ही। हाँ जी, वहीं पे काम करना है मेजर तो। और उसी में अगर किसी ने कोई बात कह दी है ना, जो जिसमें डिफरेंशिएशन शामिल हो गया, ठीक, हाँ तो अगला पक्ष मान लीजिए हमने उसके लिंग को लेकर कोई बात कह दी, जाति को लेकर कोई बात कह दी, हमने संप्रदाय को लेकर कोई बात कह दी, ठीक है ना। और घरों में और है ना आस पड़ोस में ऐसी गलतियां होती रहती हैं, और वो जो घटना हुई थी वो रिजॉल्व हो चुका है, बट हमने ये आखिरी बात कह के एक नई घटना घटित कर दी। और ये हमारे व्यवहार में काफी महत्वपूर्ण भाग होता है ये। और उससे जो अगले व्यक्ति के बार के अंदर है ना हमारे बारे में मान्यता है, या हमारे अंदर अगले व्यक्ति के बारे में मान्यता है, ठीक, वो परिलक्षित होती है वहां पर, कि बाकी सब तो ठीक है, साथ साथ जीना हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, बातचीत हो रही है, बट ये हमारे बारे में क्या सोच है अगले व्यक्ति की, वो आखिरी वाक्य में दिखता है। जी बराबर। ठीक है भैया, जी, थैंक यू सो मच। बढ़िया दीदी। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। हाँ भैया, ये जो डिस्कशन चल रहा था जैसे मीठा नहीं खाने का, तो मीठा नहीं खाना है मेरा नुकसान करता है, ये मेरा जानकारी है, ये मेरा अगर समझ है तो कैसे हम वापस यील्ड करेंगे, ये तो पहला सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात करेंगे इस पे, और बताइए। अच्छा, दूसरा ये कि हम दूसरे से प्रभावित होते हैं और ये जो लास्ट में एक शब्द कह देते हैं, तुम्हारा तो आदत ही है इसी, ये क्या अनकॉन्शियसली अपने संस्कार बन गए इसकी वजह से हो रहा है? अपन भी बड़बड़ाने का एक आदत रखते हैं, है ना, तो संस्कार तो बन ही गया है। बनी गया है, सही है, तो गौर से देखने की जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना बढ़िया कहीं भाई। हम दूसरे व्यक्ति का अवमूल्यन, अधिमूल्यन, अमूल्यन ये सब करते रहते हैं। वो है कि नहीं, या तो अपने में ऐसा एक आदत ही बन गया कि लगातार ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, वो लास्ट में ऐसा जाके पूरा मामला ही बिगाड़ देते हैं। जी कई बार फैसला करने के लिए कोई गया, वो बंदा नया पंगा खड़ा कर दिए। है ना, अगर आप महाभारत युद्ध को देखें तो उसमें जिस पर्पज से बुलाया गया था कौरवों को इंद्रप्रस्थ में, वो सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया था, ठीक, और आखिर में जाने के कुछ समय पहले एक घटना हो गई जिसमें ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी ने कुछ दुर्योधन को कह दिया, अंधे के बेटा अंधा, और वो आखिरी वाक्य था जो उन लोगों के बीच में संवाद हुआ, ठीक, और उसके बाद पूरा युद्ध हो गया। और बात, उसके पहले बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी और उसको कहने की आवश्यकता नहीं थी। सही, तो हमारी ये अंधे सब का बेटा भी अंधा ही है। टिपिकल, हाँ टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हम ये जो आखिर में एक दो वाक्य कहकर पूरी परिस्थिति को बिगाड़ देते हैं, और वहां पे हमारा अपना भाव जो है, जो अभी तक शेयर नहीं हुआ था, वो निकल कर आता है। तो इससे हमको ये भी दिखेगा कि ये जो आखिर में हम कुछ बात कहते हैं उसमें हमारा भाव क्या है, और यदि भाव ये हमारे अंदर बैठा हुआ है तो इसमें परिमार्जन की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। बस अंदर देखने की जरूरत है। हाँ
ठीक भाई। अब पहली बात जो आप कह रहे थे वो तो ठीक है, वो तो सूचना हाँ है ना, जी हाँ जी, वो अंदर तक नहीं अभी गया, अभी नहीं गया। अपना आदत नहीं बनी, अपने सिर्फ अपन एक मान रखा है, वो जी अपने अंदर उतरी नहीं। अगर अपने को पता है जहर नुकसान करता है, अपन लेते तो है नहीं। है ना, तो देखिए क्या नहीं करना है, और ये तो समझ हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि हाँ इसमें जी, तो कार्यक्रम भी चाहिए, क्या करना चाहिए। समझना, हाँ समझने का भी तो इसमें भाग ही नहीं है, उसमें भी क्या करना है। मैं अगर हम कार्यक्रम पे जाए तो वो भी समझ नहीं है, जैसे अभी जो बात हुई थी, सुबह उठ के टहलना है, योग करना है, अभ्यास करना है, श्रम करना है, ठीक, ये भी समझना नहीं, क्योंकि ये कार्यक्रम है, क्यों करना है ये समझना है। तो सुबह क्यों उठना है ना, क्यों टहलना है, एक्सरसाइज क्यों करना है, ठीक, और उसके मूल में फिर जाकर हमको क्या प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो अभी हम क्या प्रश्न को देखते हैं, तो कार्यक्रम के स्तर पर क्या करना है क्या नहीं करना, क्यों को ले आते हैं तो प्रयोजन पे ध्यान जाता है, भागीदारी पे ध्यान जाता है, कि जब क्यों प्रश्न को उत्तर करने जाते हैं तो फिर क्या प्रश्न तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल इसी में, तो क्या करना है, तो सुबह उठना है और टहलना है, क्यों करना है, तो स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य क्यों चाहिए, तो शरीर साधन की तरह काम करे, किसके लिए काम करे, तो मैं के लिए, मैं क्या है। अब यहाँ फिर से क्या प्रश्न तैयार हुआ, तो आप देखेंगे तो हम इच्छा के स्तर पर क्यों प्रश्न जब पूछते हैं तो चित्रण से चिंतन की ओर जाते हैं, फिर वहां पे जब हम चिंतन को स्पष्ट करने जाते हैं तो क्या प्रश्न पूछते हैं, वहां पे हम फिर बोध की ओर जाते हैं, फिर ऊपर की क्रिया की ओर जाते हैं। तो अभी हम क्या प्रश्न को जो डील कर रहे होते हैं वो कल्पनाशीलता के स्तर पर, विचार के स्तर पर, कार्यक्रम के स्तर पर, निर्वाह के स्तर पर, वास्तविकता के स्तर पर नहीं। तो क्या करना है एक बात है, क्या है एक दूसरी बात है, मैं क्या है, शरीर क्या है, जड़ क्या है, चैतन्य क्या है ना, ये उससे अलग बात है, और इन दोनों के बीच में कनेक्शन है क्यों। तो सही है कार्यक्रम को भैया। लेकर हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, उससे आगे बढ़ते हैं क्यों प्रश्न पूछकर, फिर उसके और आगे बढ़ते हैं क्या प्रश्न पूछकर। जी भैया ये उद्देश्य भी मान लो अभी चित्रण या समझ के लेवल पे तो बढ़ रहा है, लेकिन बाहरी वातावरण तो फर्क करता ही है भाई साहब। अब अगर बारिश हो रही है तो अपन बाहर तो नहीं जा सकते, उस वक्त हम एक सामंजस्य बिठाते हैं कि उठूं तो सही लेकिन मैं कुछ और अध्ययन कर लूं, बाहर नहीं जा सकते, व्यायाम वही नहीं तो कर सकते। कार्यक्रम कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है इस रूप में, है ना, निर्वाह के स्तर पर। हाँ, निर्वाह के अंदर जैसे मैं ही थोड़ा टहला और मेरा गला बैठ गया, तो मुझे ये दिखा कि अभी इस मौसम में बाहर टहलना ठीक नहीं है, सही है। नहीं टहल रहे हैं, तो कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है शरीर के स्तर पर, निर्वाह के स्तर पर, ठीक है ना, परंतु उससे मेरा भाव अगर प्रभावित हो रहा है तो ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं राइट कि संयम का भाव ही प्रभावित हो जाए, तो कमरे मूल में भी उद्देश्य सही शरीर रहना के चाहिए। स्वास्थ्य में, हाँ शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में ही कार्यक्रम बनाएंगे। ठीक है जी ठीक है भैया, स्पष्ट हुआ। बढ़िया भैया, तो ये बात हम अपने आप में ऑब्जर्व करें कि कैसे दूसरे मनुष्य के व्यवहार से मुझे संवेदना मुझ तक पहुंचती है, मैं उसको आस्वादन करता हूँ, और कैसे मैं अपने संस्कार के साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूँ, तो आप पाएंगे कि मैं सीधे सीधे किसी के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता, मैं उसको जो अर्थ देता हूँ उससे प्रभावित होता हूँ। तो अगर मैं अर्थ ये देता हूँ कि ठीक है, अगला व्यक्ति परेशान है, ये परेशान करना नहीं चाहता है, अपने आप में परेशान है, अपनी परेशानी को शेयर कर रहा है, इसलिए व्यक्ति ये बुदबुदा रहा है, कुछ कह रहा है ना, तो मुझे इसको आराम पहुंचाना है, उसका सहयोग करना है, तो मेरा भाव एक तरह का होगा। अगर मुझे लगे कि नहीं, ये मुझे दुखी करना चाहता है इसलिए ऐसी सी बातें कह रहा है, वो जो टैग की बात हो रही थी कि आखिर में दो चार बातें हम कह ही जाते हैं, तो फिर हमारा अर्थ दूसरा हो जाता है, और फिर हमारे अंदर आस्वादन भी दूसरा होता है, फिर हम दुखी होते हैं उसकी बात को सुनकर। तो अल्टीमेटली हम दूसरे व्यक्ति के शब्द से दुखी नहीं होते, एक तो शब्द को हमने सुना, ये हमारा निर्णय था, उस शब्द को सुनकर हमने उसको अर्थ दिया,
जो अर्थ दिया उससे हम दुखी परेशान होते हैं। अगर हमको दिखे कि दूसरा दुखी करना नहीं चाहता है, दुखी है इसलिए ऐसा बोल रहा है, तो हम हमारी स्थिति एक तरह की बनेगी। अगर हमें लगे कि दुखी करना चाहता है इसलिए ऐसा बोल रहा है, तो हमारी स्थिति अलग तरह से बनेगी। तो जो अर्थ देने वाला भाग है इसको तो बारीकी से ऑब्जर्व करना है। तो अभी तक हम लोग ये ऑब्जर्व करते रहे कि जो संवेदना को पढ़ना है वो मेरा निर्णय है, ठीक। अब हम उसे और आगे जा रहे हैं और इसमें अभ्यास एक से ये बात जुड़ेगी कि संवेदना को मैंने पढ़ा, यानी दूसरे ने कोई शब्द कहा, शब्द कान तक पहुंचा, कान से मुझ तक पहुंचा और मैंने उसको पढ़ा क्योंकि मैंने उसको महत्वपूर्ण माना। अब मैं उस शब्द से दुखी नहीं हुआ, उस शब्द को मैंने कोई अर्थ दिया। ये जो अर्थ मैंने दिया ये मैंने अपने संस्कार से जोड़कर दिया। तो जैसा मेरा संस्कार है वैसा मैंने अर्थ दिया। अगर मुझे समझ में आया कि कोई मनुष्य दुखी होना नहीं चाहता, दुखी करना नहीं चाहता, दुखी होता है इसे दुखी करता है, तो मेरा अर्थ बिल्कुल अलग प्रकार का होगा। अगर मैंने ये मान लिया कि दूसरा मुझे दुखी करना चाहता है इसलिए ऐसा कह रहा है, तो मेरा अर्थ बिल्कुल अलग प्रकार का होगा। तो ये जो अर्थ देने वाला भाग है इस पे ठीक से अपने को काम करना है। हमारे दुख का एक इम्पॉर्टेंट भाग है दूसरे का व्यवहार, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दूसरे के व्यवहार से हम दुखी हैं, ऐसा नहीं है। दूसरे के व्यवहार को जो हम अर्थ देते हैं उससे हम दुखी हैं। ये बात अपने को बारीकी से ऑब्जर्व करना है ना। इस पे हम लोग समय भी लगा सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, और इसको जितना अपने आप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमको ये चीज ऑब्जर्व करना है कि मैं किस प्रकार से अर्थ देता हूँ दूसरे के शब्दों को, दूसरे के व्यवहार को, है ना। ये भी ठीक है कि अर्थ देखकर मैं ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर करूंगा, बल्कि मैं अपने अंदर और जिम्मेदार हो जाऊंगा अगले व्यक्ति के प्रति। तो इग्नोर करने की बात नहीं हो रही, ठीक है, अगला व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, ठीक, मैं उसको अर्थ नहीं देता और मैं उसको इग्नोर करके चलता हूँ, इससे भी म्यूचुअल हैप्पीनेस नहीं होगा, इससे भी, है ना, साथ साथ सुखपूर्वक जीना नहीं होगा। तो एक तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मैं अर्थ क्या दे रहा हूँ, फिर मैं ये तय करूंगा कि अब इस अर्थ के आधार पर मुझे निर्णय क्या लेना है, मेरा योजना कार्यक्रम क्या होगा इस अगले व्यक्ति के प्रति, इसको तय करेंगे नहीं। और यदि मैं इस अर्थ को ठीक से ऑब्जर्व कर पाऊं, उस अर्थ से जुड़े हुए संस्कार को ठीक से ऑब्जर्व कर पाऊं, तो आप पाएंगे एक छोटी सी घटना भी मुझे अगले व्यक्ति के मूल्यांकन में सहयोग करती है और मुझे पता चलता है कि हाँ अगले व्यक्ति का संस्कार इस प्रकार का है, तो अब मैं पहले से ही तत्पर रहता हूँ कि वह व्यक्ति अपने संस्कार सहित मेरे सामने प्रस्तुत होगा, ठीक है ना। तो मुझे पहले से ही तैयारी रहती है कि हाँ इन व्यक्ति के साथ उभय सुख के अर्थ में क्या कार्यक्रम बनाना है। तो ये जो भाग है अर्थ देने वाला, इसको हम ठीक से ऑब्जर्व करें, इसको आज हम दिन भर अपने आप में ऑब्जर्व करें। एक तो ये बात आपके ऑब्जर्वेशन में आ ही गई है कि तीन स्रोत हैं संवेदना के, ठीक, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है दूसरे मनुष्य का व्यवहार, जो हमारे दुख का एक मेजर कारण बना रहता है, इसमें हम इस बात को जरूर देखें। जैसे अगर हमें लगे कि घर में कोई बैठा हुआ मेरे बारे में बात कर रहा है, ठीक, तो हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जो दूसरे कमरे से आवाज आ रही है कि नहीं, तो उस संवेदना को आस्वादन करने का मैंने निर्णय लिया यहाँ पे और फिर मैं उसको अर्थ दे रहा हूँ। तो देखिए कि हमारा रोल कितना है इसमें, है ना, यानी दूसरे का व्यक्ति का व्यवहार मुझे सीधे सीधे दुखी नहीं करता, मैंने उसको जो एक प्रायोरिटी दी, इम्पोर्टेंस दिया एक बात, उसको जो मैंने अर्थ दिया दूसरी बात, ठीक, और जो अर्थ दिया उसमें मेरा अपना संस्कार जुड़ा हुआ है तीसरी बात, इन सब के योग संयोग में मेरी अपनी कल्पनाशीलता की स्थिति बनती है, इन सब के योग संयोग में मेरी कल्पनाशीलता की स्थिति बनती है। तो इस वाले भाग पे ठीक से काम करने की जरूरत है। इस वाले भाग पे काम करेंगे तो आपके आगे के प्रश्न ट्रिगर होंगे, संबंध क्या है, मैं क्या हूँ, शरीर क्या है। तो हम लोग एक तो अभी जो मैं और शरीर को अलग अलग ऑब्जर्व करते रहे स्टेप 1 to स्टेप 4 में, अब स्टेप 5 में जब हम इसको ऑब्जर्व करने जाएंगे तो ये अभ्यास 1 से जुड़ेगा, जहां अपने भाव को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो हो सकता है कि मेरा भाव पहले से बिगड़ा हुआ है, ठीक, और ये संवेदना भी पहुंच गई, अब उसने आग में घी का काम कर दिया तो मैंने जो अर्थ दिया
काफी विस्फोटक हो गया वो कि नहीं, क्या लगता है? ये बात महत्वपूर्ण है नहीं है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अभ्यास एक में जो हम अपने भाव को देखने का अभ्यास करते रहे, ठीक है, अब इस अभ्यास दो में स्टेप फाइव पे जो काम कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ के देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेंगे। तो मुझे अपने संस्कारों का होश होता है, तो पहले से ही हम अपने आप में रिजॉल्व नहीं है, समाधानित नहीं है, किसी बात से दुखी है, परेशान है, या अपने आप में आराम में नहीं है, ठीक, और ये संवेदना भी पहुंच गई। अब मैंने उस स्थिति के साथ, अपने उस संस्कार के साथ जोड़ के इसको अर्थ दिया, अब यहां से मेरा व्यवहार फिर और बिगड़ गया। पहले तो मेरी स्थिति और बिगड़ गई, ठीक, जो मैंने अर्थ दिया, अब फिर उसके आधार पर जब मैंने निर्वाह कर दिया तो स्थिति और बिगड़ गई। तो आपको दिखाया कि मूल मुद्दा तो मेरे स्वयं की स्थिति का है, मेरे संस्कार का है, जिसमें परिमार्जन की आवश्यकता है। ये संस्कार है, परिमार्जन नहीं होगा तो मैं दूसरों पर आरोप लगाता रहता हूँ। जब हम लोग अभ्यास एक कर रहे थे तो उसमें भी हमने देखा कि मेरे भाव का निर्णय मैं स्वयं करता हूँ। तो इससे दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले थे, एक तो ये कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, दूसरा ये कि मैं शिकायत से मुक्त होता हूँ दूसरों के प्रति। तो ये जो दूसरों प्रति शिकायत है, उसमें अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये भाग महत्वपूर्ण है कि संवेदना तो संवेदना मुझ तक पहुंची है, परंतु अर्थ मैंने दिया है। अब वो अर्थ अगर मैंने दिया है अपने संस्कार के साथ जोड़कर दिया है, तो मेरा संस्कार जिम्मेदार है, अगले व्यक्ति का व्यवहार नहीं, कि नहीं? तो बढ़िया, इसको आज हम ठीक से ऑब्जर्व करें, इस पर हम लोग और समय लगाएंगे। इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, इसमें से कई सारे प्रश्न तो हम लोगों ने अभ्यास एक में लिए भी होंगे, जी, तो इसको हम लोग ऑब्जर्व करें। आज के लिए होमवर्क यही रहेगा, इसको हम ऑब्जर्व करें कि कैसे मैं अर्थ देता हूँ संवेदना को। इसमें भी व्यवहार वाले भाग को पहले ऑब्जर्व करें, ठीक है ना? और अब जो शब्द हम तक पहुंच रहे हैं और हम सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, इसके बीच के अर्थ को देखें, यानी इसको हमने कैसे एसोसिएट किया अपने आप में, शब्द जो मुझ तक पहुंचा, इसको बारीकी से ऑब्जर्व करें। कल हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना अभ्यास रखते हैं, आज के लिए होमवर्क रहेगा। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।